पिछले कल श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो मंडी लोकसभा सीट के कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट डाली है और जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का इस बार टिकट कटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि उन्हें अचानक मेरे मान सम्मान की याद आ गई है। लेकिन मैं उनकी याद ले जाना चाहता हूँ उपचुनाव अक्टूबर 2021 में, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहा था, उनकी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस की उम्मीदवार थी और किस तरह से उन्होंने सैनिकों के प्रति, सेना के प्रति, उनके परिवारों के प्रति एक अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी उस समय की थी और ये कहकर की थी कि कारगिल युद्ध तो कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, ये तो बहुत छोटी मोटी लड़ाई थी। और इतना ही नहीं बल्कि जो मेडल मुझे देश के द्वारा दिए गए हैं उनके ऊपर भी उन्होंने जो है बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी और उसकी शिकायत उन्होंने निर्वाचन आयोग से भी की थी। वो अलग बात है कि निर्वाचन आयोग ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। और इस तरह से कारगिल युद्ध जिसमें 527 रणबांकुरें शहीद हुए हैं, एक बहुत बड़ी बेइज्जती है हमारे हिमाचल के वीर भूमि की और उनके परिवारों की और उन रणबांकुरों की और शहीदों की, जिसे हिमाचल की वीर भूमि और उनके जो परिवार हैं वो अभी तक भी नहीं भूल पाए हैं। इस तरह की पोस्ट डालना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि एक बौखलाहट उनके मन में है और क्योंकि उनको अपनी हार जो है वो सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं केवल उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कर्मठ कार्यकर्ता है और देश के प्रति समर्पित है और आपकी तरह इधर से उधर और यहाँ से वहाँ जाने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बड़ा साफ कर दूँ कि कंगना रनौत जो है मंडी से भारी मतों से जीतने वाली हैं और लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि तीसरी बार जो है वो निश्चित तौर पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।